नमस्कार, टिप्स बाय आशा मेहता के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, घर में ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं तो वो बहुत काम के होते हैं। तो क्या है, कई बार ये देखिए, ये पानी का मटका है। वैसे जनरली आजकल जो मॉडर्न टेक लोग हैं वो नहीं यूज करते, पर हम अब भी करते हैं इसको यूज, क्योंकि ये एक नेचुरल आरो है। ये देखिए, तो बरसात के दिनों में इस पे ये वाइट वाइट सी फफूंदी सी आ जाती है। ये देखिए, ये गीला रहने की वजह से। तो आप इसको क्या करते हैं, क्योंकि डेली इतना भारी मटका उठाकर धोना भी मुश्किल है, तो मैं आज आपको इसका एक बहुत अच्छा टिप बताती हूँ। आप इसको साफ कर लीजिए अच्छी तरह। ये देखिए, आप कपड़े से पोंछ लीजिए या किसी भी चीज से साफ कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, आप इसको अच्छी तरह रगड़ कर किचन टावल से साफ कर लीजिए। और ये देखिए, अच्छी तरह से साफ करने के बाद आप इसके ऊपर आप सरसों का तेल ले लीजिए और इससे आप इसके ऊपर हल्की हल्की ब्रशिंग कर दीजिए। ये देखिए, तो आपने इससे ऑयल से ब्रशिंग कर ली। अब आप इसको हाथ से अच्छी तरह से फैला लीजिए। ये देखिए, ताकि ये अच्छी तरह से जो हमारा ये मिट्टी का मटका है ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। और इसको आप अच्छी तरह से सुखा लीजिए, फैन चला दीजिए या थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, तो आपके मटके पे बिल्कुल भी फफूंदी नहीं लगेगी। ये देखिए, मटके का पानी पीने में बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए, हम फ्रिज का पानी पीते तो हैं, लेकिन आजकल हर किसी के शरीर में टांगों में दर्द होता है, तो आप कोशिश करिए कि आप मटके का ही पानी पीजिए। ये देखिए, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और हमारा अच्छी तरह से सेफ भी हो गया।